सबसे पहले देखिए कि मथुरा का विवाद है क्या। मथुरा में कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर से जुड़ी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है जो 17वीं शताब्दी की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वहां मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए। यह विवाद का मूल भाव है। अब मथुरा का इतिहास क्या कहता है वो देखना चाहिए, और मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूं, एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं। महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था, उसने साल 1017 में मथुरा पर हमला किया था, और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा था। 21 डेज ऐसा लुटेरा गजनवी 21 दिन मथुरा को लूटा। इस दौर में ईरानी इतिहासकार हैं अल उतबी, उन्होंने अपनी किताब तारीख यामिनी में मथुरा हमले के बारे में जो लिखा वो आज आपको बताता हूं। शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे, ये उस समय का इतिहासकार लिख रहा है कि मथुरा में उस वक्त शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना जबरदस्त था, यह उस वक्त का इतिहासकार कह रहा है। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वो सैकड़ों हजारों दीनार खर्च करके भी नहीं बना सकता, इतना जबरदस्त मंदिर उस जमाने में बना हुआ था, और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में नहीं बन सकती, यह उस वक्त कहा गया। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने से बनी थी और 15 फीट ऊंची थी। मूर्तियां हवा में बिना किसी आधार के थी। इनमें से एक मूर्ति के आंखों में 2 रूबी लगी हुई थी आंखों में। अगर कोई ऐसा बेचना चाहे तो उसे 50,000 दीनार तक मिल सकते हैं उस जमाने में। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार था। यह इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थी कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। यह तारीख यामिनी में उस वक्त के इतिहासकार ने मथुरा के बारे में बताया और उस वक्त बनी भव्य मंदिर और उसकी मूर्तियों के बारे में बताया। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े, उसके 100 साल के बाद करीब 1150 में कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बनाया गया। मतलब वो तो आपने सुना ना, उसने कहा कि सब तोड़ दो, समतल कर दो, करके चला गया भाई। कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बना 1150, मतलब करीब करीब 100 साल बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासन में इसे फिर तोड़ दिया गया, लेकिन फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासन के पहले तक बना रहा। मथुरा के मंदिर को सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन के बीच फिर तोड़ा गया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये 10 ज्ञानवापी हैं, मथुरा भी एक और ज्ञानवापी है। जैसे ज्ञानवापी में मंदिर तोड़े गए बनाए गए, तोड़े गए बनाए गए, वो मंदिर तोड़ते रहे लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं तोड़ पाए और बनती गई वहां मंदिरें, वैसे ही मथुरा में ये आते रहे बाहर से, तोड़ते रहे, लेकिन किसी तरीके से हिंदू जो है वो मिलके मंदिर बना लेते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोदी के बारे में, वो आपको बताता हूं पढ़कर। सिकंदर लोदी के बारे में उस जमाने में तारीख दाऊदी में लिखा गया कि वो इतनी ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेषों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने मुख्य मंदिरों को सराय में बदल दिया। मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया कि लो तुम मांस बेचते हो ना, तो ये मूर्ति जो है वो वजन मापने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल करना। इतनी उसको नफरत थी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा से। मथुरा के सभी हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया उस जमाने में कि वो सिर और दाढ़ी नहीं मुड़वा सकते। लेकिन इस भयानक दौर के बावजूद मथुरा में भक्तों का आना जाना नहीं रुका। भक्तों के सहयोग से मंदिरों को फिर से पूजा पाठ करने के लिए फिर से स्थापित किया गया, मतलब जो काम चलाऊ मंदिर जो होता है वो उस तरीके से बनाया गया। ऐसा शासन है
मूर्ति उठा के कह रहा है लोग कसाई को कि तुम इससे जो है मटन बेचोगे तो वजन कर लेना। उस आदमी के राज में आसान था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत दिखाई। 16वीं सदी आते आते मथुरा में सिर्फ कृष्ण जन्म स्थान पर ही मंदिर बचा था। केशव देव मंदिर फिर एक बार जहांगीर के काल 1605 से 1627 के बीच बुंदेला शासक बीर सिंह देव ने 33 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। उस जमाने का 33 लाख रुपया वो तोड़ते थे और बनाने वाले जी तोड़ मेहनत से बनाते थे। उस वक्त सोने की कीमत क्या थी आपको पता है? उस वक्त सोने की कीमत थी 10 रुपए प्रति तोला, मतलब 10 ग्राम सोना जो है वो 10 रुपए का था। आज की कीमत क्या है एक तोले कीमत सोने की? 53,000 रुपया, उस वक्त 10 रुपए का था। कहते इतना गौरवशाली मंदिर बना कि किताबों में से वंडर ऑफ एज भी कहा गया, मतलब उस जमाने का आश्चर्य जो है वो ऐसा था कि वो आश्चर्य के तौर पर था। और वो मंदिर मथुरा में ऐसा बना कि कहते हैं कि आगरा से देखो तो मंदिर का शिखर नजर आता था, ऐसा भव्य मंदिर उस जमाने में बनाया। लेकिन फिर औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब ने 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। वही औरंगजेब, वही मुगल काल जिसको हमारे यहां मुगलों ने ऐसा कर दिया, उसी औरंगजेब ने काशी में मंदिर तोड़े थे। उसी की ये जो समस्या है ना, औरंगजेब की ही दी हुई है, जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा है उसमें उसका योगदान है। उसी ने मथुरा में भी किया। 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगाई भाई ने। औरंगजेब ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। मैंने आपको कहा था ना, ये चैप्टर अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल रोएगा कि क्या क्या उस वक्त लोगों ने झेला है। अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी साधु ने। 1666 में औरंगजेब ने केशव मंदिर से पत्थरों की रेलिंग हटाने का फरमान दे दिया। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ने का खास तौर पर फरमान दिया, यह भी कहा जाता है। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों की तबाही के बाद क्या किया, वो साकी मुस्तैद खान की मासिरे आलमगिरी में लिखा हुआ है। और उस मासिरे आलमगिरी में क्या लिखा है, मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें कीमती हीरे जवाहरात लगे थे उन्हें आगरा भिजवा दिया औरंगजेब ने, और बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया, गाड़ दो वहां इन मूर्तियों को। और फिर उसने ऑर्डर दिया कि मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए। मैं अभी आपको कह रहा था ना कि मथुरा का नाम कभी इस्लामाबाद भी पड़ा हो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने कहा कि मथुरा का नाम बदल दो और इसका नाम इस्लामाबाद कर दो। यह हुआ उस दौर में, कृष्ण की मथुरा को इस्लामाबाद बनाया गया। इसके बाद मथुरा में मंदिर की लोकेशन पर ईदगाह बनाई गई, जिसके बारे में मथुरा कई बार आए अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर ने 1862 के दौरान लिखा। उसने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगह पर भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर था जो कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार बनाया गया। जिन पत्थरों का प्रयोग मस्जिद के किनारों को बनाने के लिए किया गया था उससे पता चलता है कि यहां मंदिर 1663 में खड़ा था। यह वो लिख रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम। मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थरों पर हिंदू कलाकृतियां थीं जो कि नागरी लिपि में लिखी गई थी, यह भी वो लिखता है। इसके बाद आया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों के शासन में मथुरा का विवाद एक कानूनी विवाद बन गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव की जमीन की बोली लगाई, वही कटरा केशव देव जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, उस जमीन की बोली लगाई। भाई अंग्रेज थे, वो तो यहां लूटने आए थे, वो भी वो मुस्लिम आक्रांताओं से अलग थोड़े ही थे, उनको भी यहां लूटना ही था। उनको हिंदू से ना मतलब, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, उन्होंने जमीन की बोली लगवाई। इसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाए क्योंकि मुसलमानों से कानूनी लड़ाई लड़ते रह गए। फिर आया 1944 का साल। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कृष्ण जन्म स्थान की स्थिति पर दुख जताया और इस जमीन के अधिग्रहण के लिए योजना बनाई।
इसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने ट्रस्ट बनाया जिसे जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया और उसके बाद 1965 में कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर बनकर तैयार हुआ। मथुरा विवाद का कानूनी पक्ष यह भी है कि यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई है जिसमें करीब करीब 11 एकड़ या कहिए 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजों के शासन में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी में इसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया और जैसा मैंने अभी बताया कि 44 में जुगल किशोर बिड़ला ने पटनीमल के वंशजों से यह जमीन खरीदी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मथुरा में भव्य मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाएगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। लेकिन इसी बीच 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ जिसको जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन के मालिकाना हक के लिए केस दाखिल कर दिया लेकिन इसी बीच 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। 1968 के समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की जमीन दी गई लेकिन 1968 के समझौते पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस केस में कहा गया है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को इसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता इसलिए 1968 का समझौता अवैध है कि आप थोड़ी सी जमीन छोड़ दें और कहें कि काम हो गया। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान कंस का कारागार था और कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। भगवान कृष्ण का जन्मस्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जाए यह कहा गया है उस याचिका में और वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए। दावा किया जाता है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण प्राचीन कृष्ण मंदिर के सभा मंडप की जगह पर किया गया लेकिन गर्भगृह किसी तरह से बच गया था। गर्भगृह के बारे में कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां कभी कंस का कारागार हुआ करता था जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी जगह पर पत्थर का एक पवेलियन और अंडरग्राउंड जेल बनाई गई है जिसके ठीक बगल में योग माया का मंदिर है। यह मथुरा की तस्वीरें दिखा दे रहा हूं, जो लोग नहीं गए हैं उनको दिखेगा कि बगल में मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद, ठीक वही ज्ञानवापी वाला मामला। जैसे वहां काशी विश्वनाथ और बगल में ज्ञानवापी मस्जिद, वैसे यहां मथुरा और मस्जिद और बिल्कुल सटा सटा। यहां भी शाही ईदगाह की पिछली दीवार से मंदिर जो है वो सटा हुआ है।